नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गढ़ दिल्ली तक। साथियों, आज हम ग्राम पंचायत बिला डेवा में आए हैं, जो कि यहां गल्ले दुकान पर यानी कोटेदार के यहां से गल्ला चोरी हुआ है। और आइए देखते हैं यहां के ग्रामीणों ने क्या क्या आरोप लगाया है और क्यों चोरी हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राजा। कैसे गल्ला चोरी हुआ है? ये चोरी किया है ना, दीवार तोड़ करके निकाले हैं। अच्छा, दीवार तोड़ करके निकाला गया गल्ला जी। अच्छा, ये बताइए जैसे कि इस महीने में जो चोरी किया गया है, क्या अगले महीने में भी चोरी किया गया था गल्ला? हाँ, ऐसे मतलब रिटेलर से पूछने पर तो पता चलता है कि नहीं, अगले महीना में भी 3 क्विंटल की चोरी किया गया। और जैसे कि इस बार कई क्विंटल पूरा टोटल है ये? अभी तो अभी 5 क्विंटल 5 बोरी यहाँ से मिला है। 5 बोरी? हाँ। कैसे इनको पकड़ा गया कि जैसे चुराए हैं ये? जो है कि अब बताएंगे दूसरे को लोग, हमको थोड़ा इसमें मालूम नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए जैसे कि कैसे चोरी किए? इनको नहीं पता है, इधर पे बताएंगे, ये हमारे चाचा बताएंगे कि कैसे पकड़ा गया। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसे मतलब पकड़ा गया कि यही साबित है? क्या पता चला कि यही चोरी किए हैं? एक लड़की के जो रिटेलर है जी जी, जो गल्ला बांटते हैं जी जी, उनकी लड़की आई कुछ काम से अंदर जी जी, तो देख रही है जो बोरा जी जी, देखो बोरा जी, और जो बोरा देखे थे जाकर के अपने भाई से जी जी बताई जी, हुआ करके देखे जी, तो पता चला कि ही ले गए हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कि आपका मतलब क्या इसमें, जैसे कि मतलब गांव वालों ऐसा आखिरकार कर रहे हैं, मतलब आपका क्या मतलब योगदान है, इस तरह से क्यों हो रहा है? देखिए, हमको तो पहले का सूचना नहीं है अगले महीने का जी जी। इस बार हमको सुबह में रिटेलर फोन किए कि हमारा गल्ला चोरी हुआ है जी, और हम लोग इसको पकड़े हुए हैं। हम बोले कि ठीक है, पकड़े हुए तो हम आ रहे हैं, देख रहे हैं जी। तो यहाँ पे फिर आए तो देखे तो 5 बोरी ये है गेहूँ चावल करके जी जी। तो पूछा गया तो बताए कि हाँ, हम चोरी किया, जो चोरी किया वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हम चोरी किए हैं, और 5 बोरी चोरी किए हैं और 2 क्विंटल 2600 में बेचे भी हैं। तो हम बोले कि ऐसा कर रहे थे, बोला कि गलती हो गया है हमसे, फिर अगले बार गलती नहीं होगा, इसको हम बेचे हैं इधर और गाँव का संपत्ति अगर चोरी होता है तो बर्दाश्त। जैसे कि पात्र गृहस्थी और कार्ड और अंत्योदय कार्ड यानी कि लीला डेवा में टोटल कितना है? 162 है, अंत्योदय है। अच्छा, और पात्र गृहस्थी कार्ड? पात्र गृहस्थी है 500 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, तो कोटेदार जी कहाँ है? बुलाइए हमको। अशोक भैया, अशोक 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 की भेजा अशोक। जैसे कि कोटेदार जी बताइए, मतलब कि जो गल्ला यानी कि बांटते हैं, वितरण होता है, और यहाँ से गल्ला कैसे चोरी हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में क्या कहना है, पीछे से वही निकाल के ले गया है। अच्छा, पीछे से यानी कि दीवार तोड़ के, कि दीवार पहले से टूटा है? दीवार तो पहले से पानी में धस गया था थोड़ा जी जी, उसको हटा के वही निकाला है। अच्छा, क्या अगले बार चोरी हुआ था क्या? अगले बार तो कंफर्म नहीं है जी, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक में कमी था जी जी। यानी कितने बोरा यानी कि स्टॉक में था और कितने बोरा घटा था अगले महीने में? पहले 25 था तो वही मतलब 3 बोरी गायब था। 3 बोरी? इस बार कई बोरी यानी चोरी हुआ है? अभी तो वही 4 बोरी है सामने, और चावल है आधा बोरी। अच्छा, ये बताइए कि पात्र गृहस्थी कार्ड और क्या कहते हैं अंत्योदय कार्ड कितना है टोटल आपके यहाँ? तो अंत्योदय है 162 और पात्र गृहस्थी है 376। अच्छा, 376। तो जैसे कि यानी कि लगभग हमको देखने में अंदाजा मिल रहा है कि यानी 99% आप वितरण कर देते हैं? हाँ, हो जाता है गांव का 99% से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। साथियों, जैसा है कि यहाँ पर यानी कि कोटेदार और प्रधान जी से हम बयान ले चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर यानी कि गल्ला जो वितरण होता है कोटेदार के यहाँ से,
यानी पीछे पार से गल्ला चोरी हुआ है और यहाँ के ग्रामीणों ने पूरा मतलब बताया कि हकीकत में यह चोरी हुआ है। क्या आप प्रशासन को फोन किए हैं? ये प्रशासन को नहीं किए हैं, ग्राम प्रधान को और सम्मानित लोगों को मैंने बुलाया है। चलिए ठीक है, आपको शायद पूरा खेल समझ में आ गया होगा क्योंकि यह कोटेदार के यहाँ से राशन की चोरी लगातार हर महीने हो रही है, जैसा खुद कोटेदार मान रहा है और उसके आस पड़ोस और गांव वाले मान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कम राशन बांटने वाले इन कोटेदारों को प्रशासन की क्या सह प्राप्त है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चोरी का सामान बरामद होने के बावजूद भी प्रशासन का पूरा जोर समझौता कराने पर था। समझौता क्योंकि यह इनकी मलाई काटने का और कमाई का सीधा साधन है। सोनभद्र जैसे आदिवासी और पिछड़े इलाकों में इस तरीके से प्रशासन की लूट खसोट कोटेदारों के साथ साठ गांठ और चोरी का खेल ना जाने कितना और किस तरीके से खेला जा रहा होगा। हम इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकते कि इसमें कोटेदार की कोई मिलीभगत है या प्रशासन के देख रेख में यह पूरा का पूरा गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि इतनी सफाई से चोरी हर बार हो और इनको कानो कान खबर ना हो, जबकि यह 5 किलो राशन की जगह 4 किलो राशन देने का हर बार प्रयास करते हों, तो इस पे ताजुब होना और शक होना लाजमी है। मैं विजय, आप देख रहे थे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। साथी प्रदीप जायसवाल ने यह वीडियो आपके लिए खास भेजा है, शायद शासन प्रशासन की आँख खुल जाए और ऐसे ना जाने कितने गांव होंगे जहां अगर गांव वाले नहीं जगे होंगे तो ऐसे ही दीवार तोड़कर हर बार चोरी हो रही होगी और जिसको राशन मिलना है वो बिना राशन भूखे रह रहे होंगे। योगी जी का रामराज ऐसे ही चलता रहेगा।